नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोनी मेहुल और आज आपके साथ मैं फिर हाजिर हुए एक नया कंटेंट लेकर। आज मैं इस वीडियो में आपको बात करने वाला हूं राजा भोज के बारे में, तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक। और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बहुत ही ज़्यादा शेयर करें। तो आइए जानते हैं महान राजा भोज का इतिहास। आपने कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली की कहावत तो सुनी होगी। आज हम वही परमार या पंवार वंश के नौवें राजा भोज का किस्सा बताएंगे। परमार वंशीय राजाओं ने 8वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के समय तक राज्य किया। उन्होंने अपने शासनकाल में कई युद्ध जीतते हुए अपनी प्रतिष्ठा स्थापित की। उन्होंने ज़्यादातर जीवनकाल युद्ध क्षेत्र में ही व्यतीत किया था। अपने शासन साम्राज्य के समय में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल को बसाया। ये एक शहर का नाम पहले भोजपाल नगर हुआ करता था, लेकिन समय के साथ साथ भोपाल और बाद में भोपाल हो चुका। भोजराज खुद बहुत बड़े विद्वान हुआ करते थे। उन्होंने कोश रचना, धर्म, कला, औषध शास्त्र, भवन निर्माण, खगोल विद्या और कई काव्यों की रचना की है। उन्होंने अपने राज्य में कई कवियों और विद्वानों को आश्रय किया था। तो आइए जानते हैं राजा भोज के प्रारंभिक जीवन के बारे में। राजा भोज का जन्म कोई सटीक जानकारी इतिहास में नहीं मिलती है, लेकिन भोज का जन्म 980 में बसंत पंचमी के दिन और महाराजा विक्रमादित्य की नगरी उज्जैन में हुआ था। उनके जन्म के समय उज्जैन नगर पर उनके पिताजी राजा सिंधु राजा का शासन चलता था। उज्जैन में जन्मे इसी लिए उन्हें राजा विक्रमादित्य का वंशज भी कहा जाता है। उन्हें सिर्फ 15 वर्ष की उम्र में ही राज्य की बड़ी जिम्मेदारियां सौंप दी गई। परमार वंश के शिरताज 1000 में गद्दी पर बैठे और महाराजा भोज ने धार में 1000 ईस्वी से 1055 ईस्वी तक उन्होंने शासन किया था। उन्होंने पश्चिम भारत में एक साम्राज्य स्थापित करने की चाह रखी थी। उन्होंने अपने सपने को पूर्ण करने के लिए कई युद्ध खेले थे। उन्होंने उज्जैन नहीं लेकिन धार नगर को अपनी नई राजधानी बनाया। राजा भोज को उनके कार्यों के कारण नव शासक या नव विक्रमादित्य भी कहा करते हैं। राजा भोज इतिहास के प्रसिद्ध मुंजराज के भतीजे थे। उनके पिताजी का नाम सिंधु राज था, माता का नाम सावित्री देवी और भोजराज की पत्नी का नाम लीलावती था। भोजराज का बहुत ही कम उम्र में सिंहासनारोहण यानी राज्याभिषेक हुआ था। उस समय अपने दुश्मनों से वो चारों ओर से घिरे हुए थे। उत्तर में तुर्कों से, उत्तर पश्चिम में राजपूत सामंतों से, दक्षिण में विक्रम चालुक्य, पूर्व में युवराज कलचुरी तथा पश्चिम में भीम चालुक्य से उन्हें कई युद्ध खेलने पड़े। उन्होंने कम उम्र में ही सभी राजाओं को अपने हाथों से हराया। जब उन्होंने तेलंगाना के तेलप और तिरहुत के गांगेय देव को हराने तो एक मशहूर कहावत बनी, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। ये कहावत आज भी बहुत प्रसिद्ध है। फिर 971 ईस्वी से लेकर 1030 ईस्वी में जब गुजरात के सोमनाथ मंदिर का ध्वंस किया, तब ये दुखद समाचार सुनकर शैव भक्त राजा भोज ने 1026 में गजनवी पर हमला किया। उन्होंने हिंदू राजाओं की संयुक्त सेना को तैयार करके गजनवी के पुत्र सालार मसूद को बहवराइच के पास एक महीने के युद्ध में मारकर सोमनाथ का बदला ले लिया। और 1026 से 1054 के समय में राजा भोज ने भोपाल से 32 किलोमीटर दूर भोजपुर शिव मंदिर का निर्माण करके मालवा में सोमनाथ की स्थापना की। ये प्रमाण विख्यात पुराविद अनंत वामन वाकणकर की पुस्तक द ग्लोरी ऑफ द परमाराज ऑफ मालवा में देखने को मिलती है। अब आइए जानते हैं राजा भोज के निर्माण कार्य। मध्य प्रदेश राज्य के ज़्यादातर सांस्कृतिक गौरव वाले सभी स्मारक भोज राजा की देन है। उसमें विश्व प्रसिद्ध भोजपुर मंदिर, महाकालेश्वर मंदिर, धार की भोजमाला और भोपाल का विशाल तालाब भूई शामिल है। उन्होंने कई नहरें खुदवाई और उन्हें नदियों के साथ जोड़ा है, जिसका जीता जागता उदाहरण भोपाल शहर का बड़ा तालाब है। ये सरोवर का निर्माण 250 वर्ग मील के विस्तार में किया गया था। वर्तमान भोपाल की स्थापना भी भोजराज के शासन की है। महाराज ने धार, उज्जैन और विदिशा का पुनर्निर्माण और हमारी समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर केदारनाथ, रामेश्वर, सोमनाथ, मुंडीर आदि मंदिर भी बनवाए। राजा भोज ने धार, मांडव तथा उज्जैन में सरस्वती कंठ भरण भवन बनवाए। उसमें धार नगर में स्थित सरस्वती मंदिर महत्वपूर्ण है। उसमें वाग्देवी की मूर्ति हुआ करती थी और वो मूर्ति आज ब्रिटेन के म्यूजियम में सुरक्षित है। अब आइए जानते हैं राजा भोज का महान ग्रंथ। एक राजा होने के साथ साथ भोज एक खुद विद्वान थे।
वो खुद काव्य शास्त्र और व्याकरण के बड़े जानकार थे। अपने जीवन काल में उन्होंने कई किताबें लिखी। उन्होंने 84 ग्रंथ लिखे, जिसमें ज्योतिष, धर्म, आयुर्वेद, वास्तुशिल्प, व्याकरण, विज्ञान, नाट्यशास्त्र, संगीत, कला, योगशास्त्र, राजनीति शास्त्र और दर्शन विषय शामिल है। राजा भोज ने योग्य सूत्रवृत्ति, सिद्धांत संग्रह, युक्ति कल्पतरु, आदित्य प्रताप सिंह सिद्धांत, सम्रांगण सूत्रधार, कृत्य कल्पतरु, शब्दानुशासन, राजमुडाड, सरस्वती कंठाभरण, कुर्मशतक, श्रृंगार मंजरी, तत्व प्रकाश, विद्या विनोद, चारु चर्चा, आयुर्वेद, सर्वस्व श्रृंगार प्रकाश, भोज चंपू, प्राकृत व्याकरण और राजकांतर जैसे ग्रंथों की रचना की थी। महाराजा भोज ने प्रबंधन में अपनी आत्मकथा भी लिखी है और हनुमान जी से रचित रामकथा के शिलालेख समुद्र से निकलवाकर अपनी राजधानी धार नगरी में पुनर्रचना करवाई थी। वो आज भी हनुमानाष्टक के रूप में विश्वविख्यात है। राजा ने गद काव्य चंपू रामायण की रचना की थी। ऐसा कहा जाता है कि भोज की राज्यसभा में तकरीबन 500 विद्वान हुआ करते थे। भोज ने ग्रंथों में विमान बनाने की विधि और नाव एवं बड़े जहाज बनाने की विधि का विस्तृत विवरण किया है। उन्होंने रोबोट तकनीक पर भी काम किया है। अब आइए जानते हैं हिंदू धर्म और प्रजा के प्रति असीम स्नेह। तो भारत में महान राजा प्रजा और धर्म के प्रति बहुत लगाव रखते थे, क्योंकि उन्होंने अपनी प्रजा के लिए कई लोक कल्याण कार्य किए थे। राजा भोज ने शासनकाल के दौरान एक खुशहाल राज्य का स्थापित किया और महाराजा भोज की अद्भुत न्याय प्रणाली की तारीफ आज भी होती है। महाराज हिंदू धर्म के संरक्षक और एक महान शिव भक्त थे। अपने राज्य में उन्होंने असंख्य मंदिरों का नवनिर्माण और जीर्णोद्धार करवाया। उसमें महाकालेश्वर, केदारनाथ, रामेश्वर, सोमनाथ और भोजपुर का शिव मंदिर मुख्य है। इतिहासकारों के अनुसार राजा भोज परमार मालवा के परमार एवं पवार वंश के 9वें प्रतापी राजा थे। इतिहास कहता है कि सम्राट भोज का संपूर्ण राज्य भारतवर्ष पर हुआ करता था। महाराज भोज का शासन उत्तर में हिमालय, दक्षिण में मलयाचल, पूर्व में उदयाचल और पश्चिम में अस्ताचल तक फैला हुआ था। उनके साम्राज्य के गुण गाते कई श्लोक भी देखने को मिलते हैं। अब आइए जानते हैं राजा भोज की मृत्यु कैसे हुई। महाराजा भोज परमार को हमारे हिंदू धर्म के संरक्षक के रूप में इतिहास का में स्थान प्राप्त है। चेदी नरेश और गुजरात के चालुक्य राजा के संयुक्त सेना ने 1060 ईस्वी में भोज परमार को पराजय का अपयश दिया और 1060 में धार नगर पर आक्रमण किया और राजा भोज को पराजित किया। उसके बाद राजा भोज की मृत्यु हुई और भारत के वीर महाराजा का अस्त हो गया। तो दोस्तों, आज हमने इस वीडियो में बात की राजा भोज के बारे में। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। तो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।